टियर गैस से परेशान होकर लोग इधर उधर छिटक कर भागने लगते हैं भीड़ में, और वो किसी को एक्चुअल हार्म नहीं पहुंचाता। जब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाता है कुछ केसेस में, तो वहां पे सुइसाइड होती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ना करें तो मरें, करें तो मरें। अंग्रेजों के जाने के बाद जब एक नए भारत की कल्पना की गई, तो उसमें राज्य की विराट शक्तियों को तीन हिस्सों में बांटा गया। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून पर अमल करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के सबसे अच्छे राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इसके बाद संविधान में लिखा कि राज्य की ये तीनों अंग बराबर है, सभी को अपना काम करना है। जब से समाज और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, तभी से उसके सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए एक जिम्मेदार प्रशासन की जरूरत महसूस हुई। इसी के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी हुई। देश में पुलिस बल की बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे समाज के निर्माण के लिए माहौल बनाने में अहम भूमिका है। पुलिस बल के जवान विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देते हुए डटे हुए हैं। देश में सार्वजनिक व्यवस्था पर रखरखाव करने के साथ ही अपराधों पर रोकथाम और कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी पुलिस बल के पास है। भारत में हर राज्य का अपना पुलिस बल है। संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। हालांकि केंद्रीय पुलिस बल या अर्धसैनिक बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों के शहीद होने के कई उदाहरण इतिहास में मौजूद है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पुलिस शब्द न सुना हो। हम सभी पुलिस के नाम और काम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में आप देखते हैं टाइट फिटिंग की हाफ बाजू वाली शर्ट में मसल्स दिखाते हुए सुपर कॉप अवतार में सिंघम सिम्बा दबंग मोटरसाइकिल से रोबिले अंदाज में उतरते हुए आंखों से ब्लैक सनग्लास को हटाते विलन को घूरते नजर आते। एक पंच में 10-10 बदमाशों को ढेर करते नजर आते। लेकिन रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में हमने सोचा कि क्यों ना आज ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर 1995 से 2003 तक दिल्ली के अलग अलग जिलों में बतौर डीसीपी काम किया। वही 2003 में प्रसार भारती में डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दिल्ली सरकार के इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी विभाग में डायरेक्टर और स्पेशल सेक्रेटरी का पद भी संभाला। 2010 में कॉमनवेल्थ में अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त रहने के बाद 2011 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। ऐसे पुलिस की चुनौतियां, ट्रिकी केस को सॉल्व करने के तरीकों पर आज हम बात करेंगे उदय सहाय जी सर से। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसे अयोध्या में हालिया राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जहां लाखों लोगों का आगमन हुआ, ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी गलत होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है, उसको पुलिस मैनेज कैसे करती है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती है, क्या सिस्टम होता है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और अगर कुछ चूक हो जाए तो उसे मैनेज कैसे किया जाता है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने ये प्लेटफॉर्म प्रदान की है इस बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन के लिए। तो कमिंग टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो तीनों बॉर्डर मेजर जो तीन बॉर्डर हैं यूपी और हरियाणा के, गाजियाबाद सिंघू बॉर्डर और तीसरा, इन तीनों बॉर्डर पे हम देखते हैं कि एक मेजर डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, हरियाणा पुलिस की लगी हुई है। और आशंकाओं को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, आशंका ये है कि कभी भी ये स्नोबॉल कर सकती है मेजर क्राइसिस में। उसके स्पार्क्स भी आपको पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं, कुछ घटनाओं में भी आपने देखा, कुछ छिटपुट एक्शंस में भी देखा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए तैयारी लॉ एंड ऑर्डर की भी उसी तरह हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर चीज़ क्या है ये समझने की ज़रूरत है। पुलिस अमूमन तीन चीज़ों को हैंडल करती है, क्राइम नंबर वन, नंबर टू लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर तीन पब्लिक ऑर्डर। अब आप कहेंगे तीनों में फ़र्क क्या है? क्राइम तो आप समझते हैं जो कि आईपीसी में और लोकल स्पेशल लॉज में लिस्टेड है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, रॉबरी हो, डकैती हो, रेप हो, ये सारे क्राइम्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। और
इन्हें डील करने का तरीका इन्वेस्टिगेशन के रास्ते से हम उसे खोलते हैं, और उस रास्ते में घुसने के दो तरीके होते हैं। एक तो जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट बॉडी होता है वहाँ पे हम स्पॉट पे जाकर वहाँ से उसको अनरैवल करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उसे कहा जाता है कि क्राइम टू क्रिमिनल। क्राइम के स्पॉट से हम क्रिमिनल तक को पहुँचने की एक इच्छा होती है। उससे अलग एक दूसरा क्राइम है जो ऑर्गेनाइज क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम मोस्टली, उसमें क्रिमिनल टू क्राइम, जब ये गैंग पकड़ते हैं तो गैंग से कई केसेस खुलते हैं उनके शिनाख्त पे। तो ये हो गया क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की दुनिया। उससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। जैसा कि आपने भी देखा इधर कुछ हाल में घटनाओं को, ये टिपिकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब बहुत बड़े स्केल पे चला जाता है तो उसे पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। इसके डील करने के तरीके हैं कि हम रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स, व्यवधान, रेसिस्टेंस पैदा करें ताकि ये मिनिमाइज हो, और उसमें एक क्लैरिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए जब फोर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्टेट के पास ही ये मोनोपोली है लेजिटिमेटली फोर्स को यूज़ करने की, तो उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम प्रिंसिपल काम करता है। मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम वो है जब आप शुरू करते हैं टियर गैस से। टियर गैस से परेशान होकर लोग इधर उधर छिटक कर भागने लगते हैं भीड़ में, और वो किसी को एक्चुअल हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन उससे जो एक इरिटेंट कॉज होती है, आंखों में जलन होती है और खुजली सी होती है, तो लोग भागते हैं वहाँ से। और प्लस उसके उसकी जो फायरिंग, टियर गैस सेल की फायरिंग होती है, उससे भी बहुत लोग घबरा के भागते हैं। तो मिनिमम फोर्स के इस्तेमाल से आप मॉब का डिस्पर्सल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लाठी चार्ज, जहाँ पर एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स होता है। लाठी के माध्यम से, केन के माध्यम से आप हॉर्स पर चढ़ के, कई बार आपने देखा होगा माउंटेड पुलिस को, ये सब टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का यूज ऑफ अप्रोप्रिएट फोर्स से। अप्रोप्रिएट फोर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसी स्थिति होती है उतना ही फोर्स का इस्तेमाल हो, अनब्रिडल वो फोर्स का इस्तेमाल ना हो। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया और आपने वहाँ पर लाठी चार्ज करके सबका सर तोड़ दिया और उनको अधमरा छोड़ दिया। उसमें एक एलिमेंट ऑफ रीजनेबिलिटी ही वहाँ के ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो उसके जजमेंट पर डिपेंड करता है। वो बड़ा फाइन लाइन है, उसे डिसाइड करने वाला वो खुद होता है। और इससे आगे लाठी चार्ज के आगे आप जब जाते हैं तो फिर फायरिंग की स्थिति आती है, और फायरिंग इसीलिए एक तरफ टियर गैस मिनिमम फोर्स है और फायरिंग मैक्सिमम फोर्स है। ये तीन कॉन्टिन्यूम के तीन स्टेजेस हैं जहाँ पर यूज़ ऑफ फोर्स होता है, और इस यूज़ ऑफ फोर्स में के माध्यम से आप लॉ एंड ऑर्डर को सस्टेन करते हैं। लेकिन फोर्स के इस्तेमाल के पहले मेरे दोस्त, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कई एडवाइजरीज इशूज होती हैं, गाइडलाइंस इशू होती हैं। ट्रैफिक पुलिस है या वहाँ की लोकल लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, वो कई तरह की व्यवधान भी पैदा करती हैं ताकि वो स्थिति पैदा ना हो। और इसीलिए केवल सीधे फोर्स का इस्तेमाल ना करके आप कई व्यवधान खड़ा करते हैं ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए, ताकि लोग उस मुकाम तक ना पहुँचे जहाँ फोर्स के द्वारा ही डिस्पर्सल किया जाना पॉसिबल होगा। और तो ये हुआ आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोस्त कई बार बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर में भी बदलता है। जैसे आपने पिछले बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल 1984 राइट जैसी सिचुएशन, आपके फ्रीडम जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद जो
ट्रांस बॉर्डर वायलेंस हुआ इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, उस तरह का वायलेंस, ये बहुत बड़े स्केल पे नॉर्मली होता है। और उसके भी बड़े इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन हैं वहाँ पर, यूज़ ऑफ फोर्स। कई बार मैंने अपने करियर में तो वो इंस्ट्रक्शन खुद नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स बताते थे कि उसमें यूज़ ऑफ फोर्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब ये है कि मैक्सिमम टू से शुरू ही होता है, क्योंकि आपको इमिजिएटली क्वेल करना होता है सिचुएशन, और अगर आप क्वेल नहीं करते हैं, अगर एक आदमी की जान जाती है उससे हजारों लोगों की जान बचती है, तो उस तरह का फोर्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त कानून भी देता है। और ऑफ कोर्स बाद में कमीशन ऑफ इंक्वायरी में वो इस्टेब्लिश होती है बात कि वो था कि नहीं, रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल हुआ कि नहीं, एक्सेसिव फोर्स तो नहीं हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये अगर आपको थ्योरेटिकल क्लैरिटी रहेगी कि पुलिस करती क्या है, पुलिस टू रिपीट एंड रिटरेट क्राइम हैंडल करती है। क्राइम में मैंने आपको बताया कि छोटा क्राइम हो सकता है, बड़ा क्राइम हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से वो क्राइम टू क्रिमिनल पहुंचती है और कई बार क्रिमिनल टू क्राइम पहुंचती है। लॉ एंड ऑर्डर में मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर में पहले तो कोशिश करती है कि वो सिचुएशन पैदा ना हो, उसके लिए तमाम इंतजाम पुलिस को करना होता है। और उसके बाद वो स्थिति आ भी गई तो मिनिमम फोर्स से वो मैक्सिमम फोर्स की तरफ जाती है। और इससे आगे अगर सिचुएशन होता है बिल्कुल सिविल वॉर जैसी स्थिति होती है, तो यूज़ ऑफ मैक्सिमम फोर्स से वो ऑर्डर भी होता है जिससे कुछ लोगों की जानें जाएं लेकिन हजारों लोगों की जान बचें, तो वहाँ पर वो किया भी जाता है। तो ये है मैकेनिज्म, ये है फलसफा। ऑन ग्राउंड वेरिएशंस आपको मिलता है, कई बार करेक्ट एक्शंस होते हैं, कई बार इनकरेक्ट एक्शंस होते हैं, और वो बड़े फाइन लाइन है, उसको डिटरमिन करने का अधिकार मौके के अधिकारी को होता है। और इसलिए ये सब उसके विजडम, उसका एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी, उसके पूरे दिमाग पर उसका से वो गाइडेड होता है जी। मेरा दूसरा सवाल है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों की आत्महत्या से जुड़ा NAMI द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बहुत ही चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। न केवल ड्यूटी के दौरान आत्महत्या से अधिक पुलिस अधिकारी मरते हैं, बल्कि सबसे छोटे विभागों में सेवारत लोगों के लिए यह दर राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हो जाता है। जब अग्निशामकों के साथ तुलना की गई तो पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या दर 4 गुना अधिक थी। दूसरों को ताकत देने वाली पुलिस आखिर खुद क्यों कमजोर पड़ रही है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आत्महत्या करने के कारण वो कमजोर हो गए। आत्महत्या एक स्ट्रेस, कॉन्टिन्यूड स्ट्रेस में आप जब जीते हैं तो एक ट्रिगर पॉइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि इससे तो बेहतर है कि मर जाए, और वो ट्रिगर पॉइंट मैन टू मैन वेरी करता है। पुलिस में चूंकि पुलिस के कई महकमे हैं, ये क्लैरिटी मैं आपको कर दूं, और तमाम महकमों में उस तरह का स्ट्रेस भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल पुलिस में आपको PCR भी आती है, पुलिस कंट्रोल रूम का एक यूनिट है, ट्रैफिक का यूनिट है, क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल का यूनिट है, और इस तरह करके कम से कम दर्जनों यूनिट्स पुलिस में होती हैं। लेकिन उसका जो फ्रंट यूनिट है वो है थाना, जिसको हम लोकल पुलिस कहते हैं, जिसको हम एक तरह का फ्रंट पुलिस कहते हैं। वहाँ पर स्थिति थोड़ी चिंताजनक इसलिए है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वो नहीं है ड्यूटीज़ के मामले में। अनफॉर्चुनेटली 1861 का एक्ट इट्सेल्फ वो कहता है कि अ पुलिस मैन इज़ ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स। अब ये लिख तो दिया गया है लेकिन और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे लिख दिया गया है तो 2400 घंटे वो लगातार 365 डेज काम करते हैं, लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि उनको 3-4 दिन लगातार काम करना पड़े। तो एक तो उस तरह का स्ट्रेस है, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स पुलिस पे बहुत रहती है। देखिए पुलिस जहाँ भी एक्शन लेता है, जिसके खिलाफ एक्शन हुआ वो उसको क्रिटिसाइज करेगा, कंप्लेन करेगा, गाली देगा।
घर के और उस पूरे इंटेंसिटी से जो काम करने में घर निगलेक्ट होता है, तो वो उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो भी उनसे एलिनेट होते हैं। और इन सब दबाव का असर कुछ पे अलग अलग लोगों पे अलग अलग पड़ता है। जब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाता है कुछ केसेस में, तो वहाँ पे सुइसाइड होती हैं। तो वो कमजोरी नहीं, यू आर पुश टू द वॉल। एंड व्हेन यू आर पुश टू द वॉल, आई मीन, आप कंपेयर लोग करते हैं कई बार आर्मी से, तो आर्मी में वॉर सिचुएशन तो बहुत एक्सट्रीम होता है, लेकिन वॉर रोज तो नहीं होता। वॉर पूरे आपके करियर में शायद एक या दो वॉर आप लकी हैं तो आपने वहाँ पर अपने को प्रूफ करने का मौका मिला, आपने उसको देखा और उसको संभाला। लेकिन पुलिस में कम से कम 3/4 आपका ठीक ठाक प्रोफाइल है तो आप थाने में या सब डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट रोज वॉर लाइक सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। और इसीलिए वो जो अकरेंस आपको दिखता है कंपेयर टू लोअर सबॉर्डिनेट्स ऑफ अदर सरकारी महकमों के दूसरे उस लेवल के पदाधिकारी या अधिकारियों से आप कंपेयर करें, तो पुलिस में ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस सिचुएशन भी ज़्यादा है। यू आर पुश्ड टू द वॉल मोर ऑफन। किसान आंदोलन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बीते दिनों लाल किले पे जो हुआ उसे शांतिपूर्ण माना जा सकता है? ऐसी परिस्थिति में पुलिस के पास क्या विकल्प होते हैं? मैंने शुरू में ही बताया है कि ये एक टफ फैसला होता है जो कि मौके के अधिकारी को करना होता है। और आपने लाल किला में जो एक उपद्रव जैसी स्थिति पैदा हुई, पुलिस वालों को भी उन्होंने ट्रेंचेस में गिरा के वहाँ भी पीटने की कोशिश की, झंडा लेके बढ़ गए, तो ये ऑलमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के थिन लाइन पर वो इंसिडेंट खड़ा था। और वो मैं कहूँगा कि बहुत रिस्ट्रेन से पुलिस ने काम लिया, नहीं तो कम से कम फायरिंग जैसी स्थिति तो वहाँ पे निश्चित ही बनी थी, जहाँ पर देश के तिरंगे को लेकर उसको मारना जिस तरह की जा रही थी पब्लिक डिस्प्ले में, इट कुड हैव यू नो प्रोवोक्ड वर्स्ट। लेकिन बहुत ही, चूंकि अपने ही लोग हैं और देश के वो वासी हैं, तो ये जो भी ऑफिसर वहाँ पर था मौके पर और फ्रंट पोजीशन में, इंक्लूडिंग कमिश्नर, उन लोगों ने बहुत ही सूझबूझ और बहुत रिस्ट्रेन से काम लिया, नहीं तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ फोर्स लॉ एंड ऑर्डर में फायरिंग होती है, फायरिंग करना होता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। इसी से मैं थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हुए एक सवाल, जब बल प्रयोग की बात आती है तो पुलिस अधिकारियों के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती रहती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ना करें तो मरें, करें तो मरें, ना करें तो मरें, क्योंकि अगर आप राइट टाइम में करेक्ट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होके और विकराल रूप ले सकता है। और करें तो मरें, क्योंकि हर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जब फोर्स का इस्तेमाल होता है, पुलिस जिसे एक्शन लेती है, तो उसके बाद इंक्वायरी, किसी का भी डेथ हुआ या बड़ा बलवा हुआ, उसकी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठती है। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उन पुलिस ऑफिसर्स को ग्रिल किया जाता है जैसे कि वही खुद उन्होंने ही एक गुनाह कर दिया यूज़ ऑफ फोर्स करके। तो ये एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन से पुलिस अधिकारी गुजरता है, टू बी और नॉट टू बी के डिलेमा से। और वो प्योरली अपने गट पे, अपने विजडम पे और अपनी जजमेंट पे ही डिपेंड करता है। उस समय उसके पास यही कानून का सहारा है और कानून के साथ साथ अपनी जो उसकी गट ऑफ द मोमेंट कहते हैं, उसका सहारा है। फिलहाल किसान आंदोलन का एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नजरिए से आपको क्या समाधान नजर आ रहा है? हम चूंकि पुलिस अधिकारी के नजरिए से पूछा आपने,
तो पुलिस अधिकारी का नजरिया इन चीज़ों में एक छोटा होता है। पुलिस को छोड़े हुए मुझे जमाना हुआ, उसके बाद मैं आज ऑथर भी हूँ और मैं कई और चीज़ करता हूँ। तो अब मुझे समझ में आता है कि पुलिस का नज़रिया एक नज़रिया है, इम्पोर्टेंट नज़रिया है, लेकिन उसके बियॉन्ड कई चीज़ें देखने की कैपेसिटी भी पुलिस ऑफिसर्स में होनी चाहिए। और इसीलिए हर चीज़ का डंडा उठाया पीटा हमेशा समाधान नहीं होता है, और किस हद तक कब उसका इस्तेमाल हो ना हो ये विजडम पैदा करना, लार्जर पिक्चर क्या है, समाज पे इम्प्लिकेशंस क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, अब तमाम तरह की चीज़ें इसमें भी आई कि ख़ास एक एक ही स्टेट में ये क्यों वॉलेटाइल सिचुएशन बन रहा है, तो उसकी पॉलिटिक्स समझे बिना वो समझ में नहीं आता, उसका इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या है, कनाडा के क्या कनेक्शंस हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो मोटे तौर पे इन चीज़ों की आपको अगर समझ है, आप एक्सपर्ट न भी हों, तो आपका एक्शन थोड़ा उसी हिसाब से मॉडरेटेड होता है या गाइडेड होता है। अगर आप बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से ही देखते हैं तब तो बलवा भीड़ आ रही है, आप उठाइए और टीयर गैस चलाना शुरू कर दीजिए, लाठी चलाना शुरू कर दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो फायरिंग शुरू कर दीजिए और किस्सा ख़त्म। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो एक वाइस पुलिस ऑफिसर है तो वो तमाम चीज़ों को दिमाग में रखता है, एटलीस्ट ऑफिसर लेवल पे। मैं कटिंग एज लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जैसी चीज़ में जो टॉप लीडरशिप है उसकी जो समझ है उस विषय पे, उससे अलाइन रखना अपने को और उसकी लॉजिक को समझना, और तो इन चीज़ों को समझे बिना पुलिस ऑफिसर अगर एक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं गलती करने की गुंजाइश बन जाती है जी। किसान आंदोलन हो या CAA को लेकर प्रदर्शन या फिर दिल्ली दंगे, जब नागरिक और पुलिस बल आमने सामने होते हैं, फोर्स को अपना मनोबल बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है, और वहीं पे लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर लीडरलेस फोर्स जहां होती है तो वहां पे तो काफ़ी बलवा भी हो सकता है। इसीलिए लीडर को बहुत फर्म येट समझदार होने की वहां पे ज़रूरत है। केवल कब फोर्स का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कब कब झुकना है, कब तनना है, ये कोई फॉर्मलाइक सॉल्यूशंस नहीं है। आप जब वहाँ पर होते हैं तभी आपको पता चलता है, और ऑफिसर्स अपनी शाइन भी क्राइसिस में ही करते हैं। और ऑफिसर क्या कोई भी हम अपने ज़िंदगी में आपकी जो रियल कैरेक्टर है वो क्राइसिस में ही निकल के आती है, और पुलिस ऑफिसर उसका एक्सेप्शन नहीं है। कभी कोई ट्रिकी केस आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं? आपका कोई दिलचस्प केस जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपके कैरियर में सबसे अनोखा रहा हो? कई जैसे दो तरह के केसेस मैंने डील किए मुख्य तौर पे। एक तो प्योर क्राइम किस्म का केस था तो वो कटिंग एज लेवल पे हैंडल होता है, लेकिन सोशल क्राइम जैसे माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग, ये मैं जब DCP सेंट्रल हुआ करता था एक ज़माने में, तो वहाँ पर कमला मार्केट एक थाना है, और कमला मार्केट थाने के इलाके में दिल्ली का ट्रेडिशनल रेड लाइट एरिया है, और वहाँ पर कहा जाता था कि माइनर बच्चों को नेपाल से लाकर, बिहार से लाकर, बंगाल से लाकर, साउथ से लाकर, उनको मेजर बनाकर प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता था, जिसे माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग कहते हैं। और वो एक दिलचस्प केस, वो सीरीज ऑफ केस बना, क्योंकि वहाँ पर उसका जो सबसे बड़ा सरगना था, मुझे याद है वो पांडे, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, और लोकल पुलिस की मिलीभगत से छोटे मोटे केसेस पुलिस वाले बनाते थे, और वो अपने मुर्गे उनको दे देता था। और जब वो पकड़ाया उसका, उस आदमी का काठमांडू में 3-स्टार होटल था,
और दिल्ली में उसके 2 या 3 साउथ दिल्ली में फार्म हाउसेस थे, तो जब पकड़ाया तो उस पर करीब करीब 20-25 रेप जैसे केसेस का हम लोगों ने मोटर ट्रैफिकिंग एक्ट के अलावा चार्जेस लिए, जिससे वो 5-6 साल तक उसको बेल नहीं मिला और उसकी कमर टूटी। अब उसके बाद वो गया उसी धंधे में, नहीं गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत रोए खड़ा करने वाला था। और हमारी एक बड़ी जांबाज ऑफिसर जो कि उस समय प्रोबेशनर थी हमारी, अब तो वो बहुत ही चर्चित अधिकारी हुई है, छाया शर्मा, और हमने छाया को उसका उस कमला मार्केट थाने का SHO नियुक्त किया उस समय। और वो छाया बिल्कुल एनर्जेटिक और बहुत काबिल लड़की थी, लेकिन उसके पास अनुभव लिखत पढ़त का नहीं था कानून के, तो उसके सपोर्ट में हमने एक एडिशनल SHO जो करोलबाग का था वहाँ लगाया। उसको हमने समझाया भी कि गलती करोगे तो इसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सही ढंग से लिखत पढ़त करो, एक्शन बोलेगी। उसने करीब करीब मेरे ख्याल से दर्जनों रेड किए और वो हर रेड एक बहुत ही रोए खड़े करने वाले उसकी ये होती थी। और अंत में दिल्ली का हाई कोर्ट, उस समय की एक जज थी उषा मेहरा, उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया कि ऑलमोस्ट उस इलाके से माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग रुक गई, परमानेंट रुकी कि नहीं रुकी ये मैं नहीं जानता, लेकिन करीब करीब 1-1.5 साल तक वहाँ पर, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सर उठाए। तो ये एक तरह का केस है, इस सोशल क्राइम है, लेकिन उसके इम्प्लिकेशंस बहुत बड़े हैं। और मुझे याद है कि एक बार वो रेड में एक कोठे के अंदर गई तो वहाँ पर एक भी कोई बच्ची नहीं थी, और इसके साथ एक हवलदार था, वो थोड़ा अनुभवी था, तो उसने अपने बेटन से दीवालों में टक टक करने लगा और एक जगह उसे लगा कि ये हॉलो है, और तुरंत उसने उसको हटाया तो वो बिल्कुल रैट की तरह, चूहे जैसे बिल में होते हैं, बच्चे निकल के बाहर भागे। उसको ठूस दिया गया था पुलिस के रेड के समय। और इस तरह की कई इमेजरीज, बहुत मेरे लिए मूविंग एक्सपीरियंस था। और उसमें जो काम हुआ उससे हाई कोर्ट भी कम्प्लीटली अलाइंड हो गई आजकल, और हम लोगों के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती थी जो अब हाई कोर्ट की जज हो गई, और बहुत हम लोगों ने क्लोजली सब मिल के काम किया। जर्नलिस्ट थी, उन लोगों ने हमारे साथ अलाइन किया, तो बड़ा ही एक अच्छा और लगा आपको कि हाँ उनका रेस्क्यू, उनकी रिहैबिलिटेशन। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने हम लोगों को कोर्ट ऑब्जर्वर बना के नेपाल भेजा कि जो बच्चियाँ भेजी जा रही हैं उनका सेटलमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए हम कोर्ट के ऑब्जर्वर बन के गए वहाँ। तो ये केस फॉर एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग था। सतनाम शाह का केस बड़ा इंटरनेशनल ढंग का वो केस था, डिफेंस डील और ड्रग की दुनिया का वो बहुत बड़ा प्लेयर था, उसका केस बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद एक बॉम्बे का बहुत बड़ा गैंगस्टर का केस था अश्विनी नायक का, और अश्विनी नायक वो इंजीनियर था भाई बैकग्राउंड, और उसका बड़ा भाई गैंगस्टर था, और वो बड़े ही इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस में क्राइम की दुनिया में घुसा, लेकिन जब हम लोगों ने उसको पकड़ा तो बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा, और वो एक व्हीलचेयर पर मूव करता था, और एक निग्रो जो है जो कि खुद एड्स का 6 फुट्टा जवान उसका व्हीलचेयर हैंडल करता था, और वो खुद एड्स का मरीज था, और डीप ड्रग्स में, और इसका प्रोफाइल ये था कि प्रभाकरन जो कि LTTE का चीफ था उस पर इसने गोली चलाई थी वो ड्रग के झगड़े में। और बॉम्बे में एक समय बॉम्बे पुलिस गेस करती थी कि ये अश्विनी नायक के गैंग का है या उसके ऑपोजिशन के गैंग का है। दैट वॉज द काइंड ऑफ प्रोफाइल द फेलो हैड, एंड वी एंड उसकी वाइफ वहाँ की कॉरपोरेटर थी बॉम्बे की, और वो अपने करीब दर्जनों लॉयर्स लेके यहाँ आई थी वो अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए। और अंत में ट्रैजिक पार्ट ये है कि उसने, अश्विनी नायक ने उसी वाइफ को मरवा दिया, उसको शक था कि शायद बाहर में उसकी अफेयर्स किसी और से हुए हैं। तो इस तरह के कई केसेस, एक दो नहीं दर्जनों केसेस हैं जिससे लंबी बात
हो सकती है और सब पे बॉलीवुड की बड़ी सुपर फिल्म्स बन सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलीवुड को अभी पुलिस के रियल इंटरेस्टिंग दुनिया का आभास बहुत सुपरफिशियल है। एक दो ही फिल्म है मुझे लगता है जो क्लोजर टू रियलिटी है, जैसे अर्ध सत्य आपने देखा होगा, या सादी पुलिस जो कहते हैं प्लेन क्लोज मैन पुलिस की कहानी, अब तक 56 देखा होगा, बाकी तो सब बकवास, एग्जरेटेड और आई डोंट थिंक दे हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पुलिस वर्क्स और इवन हाउ द वर्ल्ड ऑफ क्राइम वर्क्स। आप एक तरफ गॉडफादर जैसी फिल्म देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक क्रिमिनल किस तरह से बिहेव करता है, सोचता है, प्लान करता है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ अपना बंदूक उठाया, किसी को मार दिया, कुछ किया, गैंग्स ऑफ वासीपुर इतनी चली फिल्म, लगता था कि उस जगह पे, उस जहाँ पर उसका बैकड्रॉप था, जो शहर, वहाँ पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, पुलिस उस पूरे कैनवास में कहीं थी नहीं, जो कि वेरी अनरियल वर्ल्ड एंड इट डजंट हैपन। नो मैटर कितना लचर पुलिस हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि फ्री रन किसी को हो। दूसरी तरफ सिंघम जैसी फिल्म है, लगता है कि पूरी दुनिया को सिंघम ही चला रहा है। तो दे आर ऑल इन टू माई माइंड दे आर ऑल ट्रैश मूवीज, बट देन जनता को एंटरटेन करती है तो जनता पसंद करती है। तो आज हमने पुलिस अधिकार और इंटरेस्टिंग केसेस को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी उदय सहाय सर से बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।